हेलो हाय दोस्तों, हाय दगड़ियों। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और गुड आफ्टरनून। तो अभी 2 बजने वाले हैं, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कर लेते हैं नई ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ नई चीज़ों के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है आज और यहाँ पे खेतों में आजकल क्या क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो वैसे तो आजकल घास काटने का ही काम हो रहा है, तो भी घास ही काट रहे हैं, मतलब गाजू बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारा भी मतलब लगभग कट ही चुका है, थोड़ा सा बचा भी दिखाऊंगा कितना हमने काट दिया है, कितना भी बचा हुआ है। और ससुर जी भी खाना देने गए हैं, मैं भी जा रही हूँ, तो मेरे हाथ में दर्द हुई है, तो एक्चुअली कटा हुआ है, तो इसलिए मैं आज काफ़ी दिन हो गए थे मतलब ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि हाथ में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर भी अभी मैंने अभी कोशिश करी तो मैं बना लेती हूँ छोटा सा ब्लॉग, ठीक है, ताकि लोगों को लगा नहीं लगे कि कहाँ चलेगी पता नहीं। तो इसलिए और आजकल वैसे भी काम भी हो रहा था, तो इसलिए भी मतलब टाइम तो मिल जाता था, थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए टाइम मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं मिलता ये फ़ोन यूज़ करने का टाइम, ऐसा कुछ है नहीं। तो ठीक है, तो ब्लॉग स्टार्टिंग कर ली मैंने आज से, अभी मतलब अभी से 1-2 बजने वाले हैं, तो अभी धूप भी लग रही है। अभी तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ कहीं रास्ते में, तो अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ, घर से थोड़ा सा इधर आ चुकी हूँ। तो आजकल गोबर सार रहे हैं, सारने लगे हैं एक खेतों ने, अभी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो एक अम्मा ने गोबर उबर रख दिया खेत में वहाँ नीचे, तो अभी मैं रास्ते में बैठी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ एक्चुअली घास लेने, ठीक है। तो वहाँ हमारा घास सब कुछ कट चुका है, कितना बचा है और अभी ले जाना है। अभी मैं, देवर जी और ससुर जी और किरण भी आएंगी, शायद किरण का पता नहीं, तो हम लोग ले जाएंगे इकट्ठा। तो 2-3 इकट्ठे मतलब 5-6 इकट्ठे होंगे बोल रही थी सासू माँ, तो अभी मैं जा रही हूँ। तो एक्चुअली मैं घर पर ही थी आजकल, तो क्योंकि मेरा हाथ कटा हुआ है, तो इसमें टाँके लगे हुए हैं 3-4 टाँके, तो अभी कल परसों तक एक दिन में खुल जाएगा। अब तो अभी काफ़ी धूप लग रही है सर, तो काफ़ी धूप ही धूप हो रही है, तो कुछ दिन में कट जाएगा शायद ये। तो अभी भी काफ़ी ख़तरनाक हो गया, तो मैं इस हाथ से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो खिंचाव होता है सब उंगलियों में बराबर का हो जाता है, तो इसलिए एक ही हाथ बचा हुआ है, तो उससे थोड़ा घास वास ऐसे ले जा रही हूँ। तो मना कर रहे थे लेकिन मैं जा रही हूँ फिर भी, क्योंकि थोड़ी हेल्प हो जाती है, जाना चाहिए ना, तो घर पर बैठ के भी क्या करूँगी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। आज रास्ते में पहुँच चुकी हूँ और मैंने अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी खेतों में क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अदरक भी है, अदरक भी दिखाती हूँ आपको मैं, ठीक है। यहाँ पे अदरक लगाया है काफ़ी लोगों ने, तो यहाँ पे अदरक की खेती भी हो जाती है, ठीक है, हमारे पहाड़ में। तो आजकल हमारे पहाड़ में घास काटने का होगा, ये देखो ये अदरक है, आप देख सकते हैं अदरक दिख रहा है, हाँ ये ठीक है, ये अदरक है। तो अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बैकग्राउंड आप देख सकते हो मेरे, मैं बैकग्राउंड दिखा दूँ आपको, ठीक है। तो ट्रैक्टर का आजकल हल जोतने का ही काम हो रहा है और हमारा घास लगभग कट चुका है, थोड़ा सा बचा है और दिवाली आने वाली है, तो इसलिए मैंने कहा एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, ठीक है। अब दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में कि सासू माँ ने कितना काट दिया है और कितना बचा हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक खेत में तो थोड़ा मोह भी डला हुआ है, तो गोबर डाल दिया मतलब, और कुछ कुछ खेत यहाँ जोत भी दिए हैं हल तो ट्रैक्टर से, तो यहाँ पे बैल मतलब किसी के है नहीं, तो ट्रैक्टर यहाँ पे रखा है, देखो ये रहा ट्रैक्टर। इसे भी बाहर अभी खाना ब्रेक हुआ है, इनका लंच ब्रेक गए हैं, तो अभी कुछ कुछ बाकी सब खेत तो खाली हो चुके हैं लगभग, तो अभी देखो यहाँ पे लूटे यहीं पे लगाए हुए हैं उन्होंने, और ये देखो ट्रैक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, वो लोग घर गए भात कर चलने लगी है हवाएं, तो भी सागर भी लहराए, पल पल दिल में रतरसी, तो मैं जा रही हूँ घास लेने के लिए, तो अभी टाइम मैं तुम्हारा याद आए चलने लगी है घास के लिए, तो अभी ससुर जी चले गए सागर भी लहरा, तो काफ़ी अच्छी धूप आई, देखो चमचमाती धूप, तो ये मैं जा रही हूँ। तो देखो ये रास्ता पर, देखो मौसम देखो काफ़ी अच्छा है, कल भी इतना ही अच्छा मौसम था लेकिन शाम को बारिश हो गई थी, तो आप लोग देख सकते हैं आज काफ़ी अच्छा मौसम है ये, ठीक है। ये देखो क्रीम पाउडर घसने की लेने, वो क्रीम पाउडर घसने की लेने, मेरी निर्मला समझ की लेने, मेरी निर्मला समझने की लेने, सब यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है। तुम्हें प्यार कब तक हम करेंगे भला। ये देखो एक अम्मा काम कर रही है, अम्मा
क्या कर अंशु आम इसे करो हाय लगो मोहल्ले हाय गो हो देखना आप घर कब जाना अच्छा बुआ का दिन भात आज के नहीं खाए तो मुलाई अच्छा अच्छा काटा था बाद अच्छा घाय काटा था अच्छा नौ हो लियो देखो अम्मा इन्हें धूमा काम कर रही है तो अभी मैं रास्ते में जा रही हूँ तो अम्मा मिल पड़ी तो ये देखो अदरक देखो यहाँ भी बाई गॉड अदरक अदरक देखो यहाँ पे काफ़ी अदरक के पेड़ हैं तो अभी मैं रास्ते में हूँ तो थोड़ा धूप पूरी तो फटाफट जाता है तो वहाँ जाके दिखाऊँगी ठीक है तो देखो यहाँ पे ट्रैक्टर का काम चल रहा है आपको दिखाती हूँ ये देखो देखो इन्होंने इतना वो कर दिया देखो खेत को यहाँ पे लूट लगाए हुए हैं और एक मार गया है और ये देखो ट्रैक्टर से खेत जोत रहे हैं चुके हैं अपने काटियों में ठीक है देखो ओ सासू माँ ससुर जी सासू माँ खाना खा रही है ये उई सर जी खाली इसी ले देखो हमने इतना काट दी है ये हमने इतना काट दिया इतना बात दिया है ये देखो ये घास के लिए रख छोड़ा है हमने इतना वो ऊपर तक हमारा ये देखो हमने काट दिया सब बात दिया अभी ये सानना है देखो ये सानना है और ऊपर है यहाँ नीचे है क्या कहा था गाइस मैंने आपको दिखाया आज हमने क्या काम किया घास साफ के हमने लूटा लगा दिया अब मैंने आपको दिखाया लूटा लगा रहे हैं तो बाकी सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया आजकल क्या क्या काम हो रहा है हमारे पहाड़ में तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें निकुदी ब्लॉग को तो अब मैं दिखाऊंगी आपको कुछ दिन बाद दिवाली की तैयारी हम कैसे कर रहे हैं और हमने कैसे सजावट करी है सब कुछ तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ हाँ तो आज इतना ही आज फिर इतना ही काफ़ी है तो अभी हम लूटा लगा रहे हैं आपको दिखाती हूँ सासू जी और सासू माँ लूटा लगा रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में मैंने बताया ना मेरी उंगली कई काम से तो इसलिए तो तब तक तो इसलिए बैठी हूँ भी छाया बैठी हूँ देखो तो सासू लोग लूटा लगा रहे हैं आपको दिखाते हूँ ठीक है तो ये देखो हमारे पुराने घर में कितने अच्छे गुलाब के फूल हुए हैं देखो ये गुलाब के फूल झूली घटा से।